प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरा और आपका ठिकाना केवल परमेश्वर और उसकी उपस्थिति में है। हाँ मित्रों, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 अध्याय के पहले पद में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, प्रभु आपको ठिकाना देना चाहते हैं, आपके बसने का स्थान जहां पर आप शांति को पाए, जहां पर आप नए हो जाएं और तरोताजा हो जाएं और आपके जीवन में कोई तकलीफ ना हो। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हाँ मित्रों, जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आनंद है, पवित्र आनंद है, और इसी आनंद से वो आपको आज भरना चाहता है। आप निराश ना हो। आप इस दुनिया में दुख उठाते हैं, चिंता में रहते हैं, प्रतिदिन आपको अपने भविष्य की चिंता होती है, प्रतिदिन आप अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे ये बात आपको परेशान करती है, आपका प्रमोशन कब होगा, क्या आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी, कई बार आप ये कह के प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु मैं कब आगे बढ़ूंगा, मुझे मेरा घर कब मिलेगा। हम बहुत सी बातों की चिंता करते हैं, और यही बात यीशु मसीह ने मार्था से कही थी, मार्था तो बहुत सी बातों की चिंता करती है। हाँ प्रिय मित्रों, आप बहुत सी बातों की चिंता करते हैं, और जितना अधिक हम चिंता करते हैं उतना अधिक हम तकलीफों में जीवन जीते हैं। बाइबल कहती है चिंता करना भी पाप है। परमेश्वर नहीं चाहते मैं और आप पाप करें, परमेश्वर चाहते हैं मैं और आप शांति को पाए। प्रभु की उपस्थिति में यह आनंद और शांति आज आपका इंतजार कर रही है। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु की उपस्थिति और शांति आपको आनंद से भरेगी और आपके जीवन से हर एक कलेश का अंत करेगी। आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया है वो हमें मिलता है योहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके पहले पद में। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ, तुम्हारा मन परेशान ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, निराश ना हो। तुमने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मुझ पर भी भरोसा रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। क्योंकि योहन्ना 14 अध्याय 27 पद में से लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। हाँ, जैसा संसार देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, मेरी शांति स्वर्ग की शांति है, अनंत शांति यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं। इसलिए आप व्याकुल ना। कैसे मेरे जीवन में ये व्याकुलता काम करती है? मित्रों, जब हम संसार और उसमें की बातों में रह करके बहुत अधिक परेशान होते हैं, बहुत अधिक हम सोचते हैं, तब हम व्याकुल होने लगते हैं। आप ये मित्रों, बाइबल कहती है आत्मा को ना बुझाओ। हाँ, जब हम इस संसार में रहते हुए बहुत सी बातों की चिंता करते हैं, जो संसारिक चिंताएं हैं, तब हमारी आत्मा शोकित होती है और तब हम व्याकुल होने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। और परमेश्वर की और यीशु मसीह की आपके लिए ऐसी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि आप चिंता करें, आप व्याकुल हो, आप निराश हो। नहीं प्रिय मित्रों, मत्ती 6 अध्याय में यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में साफ साफ कहा, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, इस बात की चिंता हमें बिल्कुल नहीं करनी है। परमेश्वर ने उत्पत्ति पहले अध्याय में ऐसा बताया है,
कि आदम हवा को बनाने से पहले प्रभु ने उनके रहने का, उनके खाने पीने का स्थान तैयार किया। इसलिए प्रियो, आप सिर्फ एक बात की चिंता करें कि मैं कैसे अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करूं, मैं किस हद तक उसके वचन का पालन करूं, ओ मैं उसके मार्ग पर चलते हुए उसके नाम की महिमा करूं, बाकी सब बातें परमेश्वर संभालेंगे। आपको इस संसार में व्यर्थ चिंता करने के लिए, व्याकुल होने के लिए नहीं चुना। फिर भी ये व्याकुलता, निराशा हमें घेरती है। प्रिय मित्रों, यीशु मसीह ने कहा तुम व्याकुल मत हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। हाँ, व्याकुलता, तकलीफें, निराशा जब हमारे जीवन में आती हैं और परमेश्वर भी इन्हें आने देता है, इसके पीछे परमेश्वर का एक भला उद्देश्य है कि आप ये जान लें कि जिस संसार में, जिस दुनिया में आप परिश्रम कर रहे हैं या सब कुछ पाने और बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कदम कदम पर निराशा है, परेशानियां हैं, व्याकुलता है, शांति नहीं है, ताकि आप इस बात को सोचने पर मजबूर हो कि मेरा आनंद परमेश्वर की उपस्थिति है, मेरा स्थान परमेश्वर का नगर है, मेरे जीवन की हर एक घटी स्वर्ग राज्य से पाना है। आप प्रिय मित्र, जब हम निराशा की घड़ी से होके जाते हैं, तकलीफों से होके जाते हैं, तभी हमें ये समझ में आता है, ओ हमें शांति मिल जाए, हमें संसार की इन सब बातों से छुटकारा मिल जाए, हमें शांति मिल जाए। यीशु मसीह आपको वो शांति देना चाहते हैं। जब आप अपने जीवन में व्याकुल हैं, निराश हैं, परेशान हैं, तो आप इस बात को जरूर सोचें कि पृथ्वी पर सुख कहीं पर भी नहीं है, केवल परमेश्वर की उपस्थिति में ही आपको सुख मिल सकता है, केवल परमेश्वर की उपस्थिति में आपको आनंद मिल सकती है, आपको शांति मिलेगी। इसलिए जब हम अपने संकट में, तकलीफों में, परेशानियों में होकर जाते हैं, तो ये बातें हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाती है। यदि संसार में हमें सब कुछ मिल जाएगा, हाँ हमारी हर एक घटी पूरी हो जाएगी, हमें सब कुछ यही तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी, हम क्यों परमेश्वर की खोज करेंगे? प्रिय, बाइबल कहती है परमेश्वर इस पृथ्वी से अपने लोगों को लेकर जाएंगे। प्रभु की इच्छा नहीं है कि वो आपको यहां रखे, उनकी इच्छा है कि आप अपने स्वर्ग स्थान में जाए, जहां से आप आए हैं, जहां के आप नागरिक हैं, जिसने आपको बनाया है वो आपको अपने साथ रखना चाहता है। इसलिए जब दुख और तकलीफ और संकट और निराशा आपके जीवन में आती है, आपको व्याकुल करती है, तो प्रभु चाहता है आप मन लगाकर इस बात को सोचें, मेरी शांति कहाँ है, मेरी तसल्ली कहाँ है? स्वर्ग के राज्य में, हाँ वहां जहां आपका प्रभु रहता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम इस संसार में व्याकुल ना हो, निराश ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी रखो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। व्याकुल ना हो, और उसके बाद कहा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, इसका मतलब यह है इस संसार में व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार तुम्हारा स्थान नहीं है। जितना अधिक संसार से आप जुड़ने की कोशिश करेंगे, उतना अधिक व्याकुलता, उतनी ज्यादा तकलीफें, उतनी ज्यादा निराशा आपको घेरेंगी और आप अपने जीवन में परेशान रहेंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि जब आप दुख में हैं, तकलीफ में, सोचें मन लगाकर कहां आपको शांति मिल सकती है, आपका जवाब होगा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के नगर में जीवन है, व्याकुलता नहीं है, अशांति नहीं है, निराशा नहीं है, आनंद ही आनंद है। और ऐसे महान आनंद का जीवन देने के लिए प्रभु कहता है व्याकुल मत होना इस संसार में, जितने दिन मैंने तुम्हें यहां रखा है मेरी मर्जी पूरी करो, धार्मिकता का जीवन जियो, मेरे सुसमाचार को फैलाओ, लोगों को बचाओ, और बहुत जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारे स्थान में लेके जाऊंगा, आपके बने हुए नगर में, आपके लिए जो परमेश्वर ने राज्य बनाया है वहां पर आपको लेकर जाएंगे। इसलिए यीशु कहता है व्याकुल मत हो।
जितना अधिक आप इस संसार से जुड़ने की कोशिश करेंगे आप व्याकुल होंगे, पर जितना अधिक आप उस राज्य से जुड़ने की कोशिश करेंगे जो हमेशा आपका रहेगा और आपसे छीना नहीं जाएगा, आपकी व्याकुलता समाप्त हो जाएगी, आपका दुख चला जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया, जहां मैं रहूं यीशु ने कहा वहां तुम भी रहो। प्रभु आपको इस पृथ्वी पर यहां की समस्याओं में, यहां की निराशाओं में, व्याकुल करने वाली बातों और हालातों में नहीं रखना चाहते। प्रभु तो आपको उस स्थान में लेके जाना चाहते जो उन्होंने आपके लिए बनाया। इसलिए बाइबल कहती है वो आपकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा, हाँ प्रभु आपको गले लगाएगा, आपको शांति देगा। एक बार एक व्यक्ति जो परमेश्वर से बहुत प्यार करता था और ईमानदारी से अपनी जॉब करता था, उसकी एक अद्भुत सेवकाई थी। वो अपने एक भाई की सेवकाई में अपने धन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हमेशा उसकी सहायता करता था, और उस सहायता को पाकर वो सेवक जगह जगह शहरों में आराधना सभाओं को आयोजित करता था और हजारों की संख्या में लोग सुसमाचार सुनने आते थे, और जब लोग सुसमाचार सुनते अपने पापों से पश्चाताप करते, हाँ प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते, वो जीवन पाते। और एक अद्भुत सेवकाई ये सेवक एक दूसरे भाई को सेवकाई देकर सहायता कर रहा था। हाँ ये खुद प्रचार नहीं करता था, ये जॉब करता था, एक धार्मिक जीवन जीता था, प्रभु के नगर की खोज में रहता था, मगर एक सेवक की सहायता करके उसकी समाचार की सभा को आयोजित करने में, लोगों को बचाने में अपना अथक परिश्रम करता था। एक दिन अचानक इस सेवक की मृत्यु हो गई और जिस सेवक की सहायता करता था उसे बिल्कुल नहीं मालूम था कि उसका एक प्रियजन इस संसार से जा चुका है। ये सेवक भी जिसकी ये व्यक्ति जो मरा था सहायता करता था वो भी बीमार था, वो उन दिनों में हॉस्पिटल में एडमिट था, और उसके प्रियजनों ने उसके इस प्रिय मित्र की मृत्यु का समाचार इसको बिल्कुल नहीं दिया, ओ क्योंकि आपस में बहुत प्रेम था। और ये सेवक जानता था कि उसने सुसमाचार के लिए कितना कुछ परिश्रम उसके लिए किया है, इसलिए वो और अधिक परेशान ना हो या बीमारी के बिस्तर में उसके साथ कोई हादसा ना हो ये बात उसे नहीं बताई गई। मगर वो परमेश्वर का एक महान दास था और परमेश्वर ने उसे एक सपना दिखाया, प्रभु ने उसे एक ड्रीम दिखाया, और उसने क्या देखा कि यीशु मसीह सिंहासन से उतरकर उसके उसी मित्र को गले लगा रहे हैं, उसकी आंखों के आंसू पोंछ रहे हैं और उसको कह रहे, शाबाश मेरे बेटे, तूने अपनी सारी जिंदगी मेरे वचन के मुताबिक बिताई, हाँ तूने मेरे सुसमाचार के लिए इतना अथक परिश्रम किया, अब से मैं तुझे अपने राज्य में रहने की आशीष दूंगा। और वो उसे कांच के से समुद्र से पार करा के उसे अनंत जीवन के स्वर्ग राज्य में लेके चला गया। जब इस व्यक्ति ने जो सेवक था ये बातें देखी अपनी आत्मा में तो वो सोचने लगा, शायद ये मेरा प्रिय मित्र संसार में सो गया है और जो मुझे बताया नहीं गया। हाँ प्रिय मित्र, उसने आगे देखा कि सेवक इस व्यक्ति ने जो उसकी सेवा में सहायता करता था यीशु से कहा, ओ प्रभु मैंने कब आपके लिए सुसमाचार प्रचार किया, मैंने खुद कहाँ आपकी सुसमाचार की सभा को आयोजित किया, प्रभु मैंने कुछ भी आपके लिए नहीं किया, तो भी आपने मुझे उत्तम जगह में बुलाया। प्रभु ने कहा, नहीं मेरे बेटे, पृथ्वी पर तू मेरे दास के लिए अपने धन के द्वारा, अपने अथक परिश्रम के द्वारा मेरे लोगों को मेरे पास लाने के लिए उसकी सेवकाई में सहायता करता था, उन सभाओं को आयोजित करने के द्वारा लाखों लोगों ने जो वचन सुने उन सबको मैंने तेरे खाते में डाला है, तेरे ही वजह से मैंने इनको बचाया, शाबाश मेरे बेटे, तूने खुद प्रचार नहीं किया मगर प्रचार सभाओं में अपनी सहायता बहुतायत से तूने दी। हालेलुया। हाँ प्रिय मित्रों, ये व्यक्ति केवल परमेश्वर के राज्य की भूख रखता था, इसलिए वो व्याकुल नहीं था, वो परमेश्वर को पाने के लिए जीता था, उसने अपने जीवन से लाखों आत्मा को बचाया और परमेश्वर के पुत्र यीशु ने उसे अनंत जीवन दिया, उसे स्वर्ग का राज्य दिया जहां पर वो स्वयं रहता है। आपको भी
प्रभु यीशु भी बताना चाहते हैं, निराश ना हो, कलेश में रहने की आवश्यकता नहीं है, यीशु मसीह आपके साथ है। जितने दिन इस पृथ्वी पर हैं, जो भी रोजगार आपको मिला है, जो भी बिजनेस आपको मिला है, जो भी परिवार, पत्नी, पति, बच्चे, माँ बाप आपके पास है, सबका प्यार से पालन करो, दिल से एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के लिए आदर्श बनो, प्रार्थना, वचन, भक्ति, संगति का जीवन जियो, क्योंकि बाइबल कहती है हम इस पृथ्वी पे परदेसी है। हाँ प्रिय मित्रों, हमारा घर ऊपर है, हमारा स्थान ऊपर है, और यीशु हमें वहां ले जाना चाहते, इसलिए व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। जितना अधिक संसार से जुड़ने की कोशिश करोगे, व्याकुलता आएगी, निराशा आएगी, तकलीफें आएंगी, पर जितना अधिक संसार में रखे उस राज्य की खोज करोगे, वहां के लिए व्याकुल रहोगे, उतना ही आनंद आपको मिलेगा, उतनी शांति आपको मिलेगी, उतना करीब प्रभु के आप पास आएंगे, और प्रभु आपको जल्द से जल्द अपने राज्य में लेके जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है तीसरे पद में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसी प्रकार बाइबल में एक और वचन लिखा है, यूहन्ना 12 अध्याय उसके 26 पद में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर आदर करता उन लोगों का जो परमेश्वर के राज्य के लिए जीते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की खोज करते हैं, और प्रभु का उनसे वादा है कि मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, तो वहां रहोगे मेरे साथ जहां मैं रहता हूं। हाँ प्रिय मित्रों, जब पृथ्वी पे यीशु मसीह थे, उनके जीवन में हमने कभी भी इस प्रकार की व्याकुलता नहीं देखी। गेतसेमनी बाग में उनके पकड़े जाने से पहले उन्होंने चेलों से कहा, मैं जानता हूं तुम सब मुझे छोड़ दो और अपना अपना मार्ग ले लोगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ रहता है। क्या ही आनंद की बात है, इस पृथ्वी पर रहते हुए आप पिता के साथ चले, यीशु के साथ चले, चाहे हालात कुछ भी हो, मगर क्योंकि प्रभु आपके साथ है और आपका भविष्य उत्तम है। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद में लिखा है, और मैं अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। हाँ प्रिय मित्रों, आपके आंखों के आंसू पोंछ दिए जाएंगे, प्रभु आपको गले लगाएंगे, आपको आनंद से भर देंगे, और बाइबल कहती है तुमको तुम्हारा आनंद मिलेगा, और तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई आपका आनंद आपसे दूर नहीं करेगा। प्रभु आपको उस स्थान में लेके जाना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु की आवाज को सुने। आज आप बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं और आपके जीवन में सवाल है, मैं क्यों परेशान हूं? आपका जवाब आपके पास है। आप इसलिए परेशान हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, आप इसलिए परेशान हैं कि मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा, आप इसलिए परेशान है कि मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी, मैं अपना घर का किराया कैसे दूंगा, ओ मैं कब तक किराए में रहूंगा, मेरा खुद का घर कब बनेगा, ये मेरा कर्जा कब दूर होगा, या मुझे कर्जा कब मिलेगा, बहुत सी बातों की आप चिंता में है। ये सब बातें प्रिय आपको निराश करेंगी, मगर बाइबल कहती है प्रभु ने कहा है मत्ती 6 अध्याय में, अपने पहनने और खाने पीने की चिंता ना करें। मत्ती 6 उसके 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। जब आप प्रभु को खोजेंगे, अपने आप आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, आप व्यर्थ परिश्रम ना करें संसार में। जब आप इस संसार में अपने आप को खुद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब ट्रबल्स आता है, तब परेशानी आती है, तब व्याकुलता की स्थिति आती है, जब आप अपने आप को खुद बढ़ाते हैं। बाइबल में लिखा है जो अपने फाटक को चौड़ा करता है वो अपने लिए दुखों को बढ़ाता है। होने दीजिए प्रभु आपको बढ़ाए, क्योंकि प्रभु आपके फाटक की रक्षा भी कर सकता है। मगर यदि आप खुद अपने फाटक को चौड़ा करेंगे, आप समस्या से होकर जाएंगे, आप निराशा से होकर जाएंगे। प्रिय मित्रों, इस संसार में वो लोग जिनके पास इस संसार में बहुत कुछ है, ठीक उनके ही जैसा बनने के लिए आप परिश्रम ना करें। बाइबल कहती जो कुछ आपके पास है आप उसी में संतुष्ट रहें। हाँ प्रभु की इच्छा यही है, क्यों कहता है प्रभु को आपको कि आप इस प्रकार से रहो, क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल में यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आपका चुनाव हुआ है वहां ले जाने के लिए, और तब तक प्रभु के लिए यहाँ पर सेवा करने के लिए, उसकी मर्जी पूरी करने के लिए। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो,
जो कुछ ईश्वर ने आपको, प्रभु ने आपको आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर दिया, शक्ति भर करें। वचन में या कर्म में जो कुछ करें, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। अपने आप को इस पृथ्वी पे बढ़ाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, अपने नाम की महिमा पाने के लिए यदि आप ये परिश्रम कर रहे हैं, आप व्याकुल होंगे, क्योंकि आप इस संसार में रहना चाहते हैं जिसका अंत हो सके, जिसका अंत होगा। आप इस संसार में रहना चाहते जिसका अंत होगा, और प्रभु आपको यहां छोड़ना नहीं चाहते। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है। आगे ऐसा लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय 19 पद में, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। आप इस बात को समझे, प्रभु ने आपको चुना है वहां ले जाने के लिए, इसलिए संसार की दुष्टता आपको परेशान करती है। हाँ, आप परेशानियों से होके जाते हैं। शैतान जानता है ये प्रभु की औलाद है, प्रभु यीशु ने इसको चुना है, ये इस पृथ्वी का नागरिक नहीं है, ये स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति है, इसलिए इससे पहले स्वर्ग जाए मैं इसको नाश कर दूंगा। इसलिए वो व्याकुलता, निराशा, परेशानी आपके जीवन में लाता है। पर यदि आप ये भेद सीख जाएं कि मैं संसार का नहीं, जो कुछ मुझे मिला उसमें मुझे ईमानदार रहना है, सिर्फ प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हर एक काम को करना है, तब व्याकुलता आपको छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि आप उस स्थान के खोजने वाले बन जाएंगे। अब प्रभु आपको शांति देगा, आपको अनंत जीवन देगा। मैं विश्वास करता हूं इस वचन ने आज आपसे बातें की, आपको तसल्ली दी है, आपकी निराशा जा रही है। अब आप चमत्कार पाने के लिए तैयार हो जाइए। जहां कहीं भी आप हैं, आंखें बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जितने भी प्रिय भाई बहन आज मुझे देख रहे हैं, जो मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आपने इनसे जो बातें की हैं उसके अनुसार ये चलने। हाँ प्रभु, अब से इस संसार में व्याकुल ना हो, अब से ये निराश ना हो, आज से ये परेशान ना हो प्रभु जी, ये इस पृथ्वी पे मन ना लगाएं किसी भी बात से प्रभु, ये स्वदेशी है इस बात को जाने, आने वाले नगर की खोज करें, स्वर्ग राज्य की ये खोज करने पाए, ये कि आपकी खोज में आनंद ही आनंद है। प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है कि हमारा परिश्रम आप में व्यर्थ नहीं है। संसार में जब हम परिश्रम करते वो व्यर्थ हो जाता है, हम दुख उठाते, निराशा पाते, व्याकुल हो जाते हैं, मगर जब इस संसार में रहते हुए प्रभु हम आपकी खोज करते, आपकी मर्जी के साथ जीते हैं, तब हमारा परिश्रम हमें फल देता है। आज प्रभु, जितने लोग इस संसार में परिश्रम करके परेशान हो चुके हैं, आज आप इनके जीवन को बदल दें। आप प्रभु इस बहन से बातचीत करें, आप इस भाई से बातचीत करें, आप इनको एक नया मन दे, एक नई आत्मा दे, एक नई सोच आप इनको दे। इन्हें संसार में रह करके अपने आप को इसी संसार का नागरिक माना है, इसी वजह से प्रभु ये दुख उठा रहे हैं। आप इनके पाप क्षमा करें, आप यीशु अपने लहू से इन्हें धो के शुद्ध करें। आज इसे आप इनकी आत्मा को नया कर दे, तरोताजा कर दे, आज से आप इनके परमेश्वर बन जाए और होंदे प्रभु। हाँ, चाहे ये जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे आपके नाम में इन्हें जो आशीष मिली है उसमें ये वफादार हो, ये जानकर कि मैं जो कुछ करता हूं प्रभु के लिए करता हूं, और मैं इस पृथ्वी का नहीं परंतु स्वर्ग के राज्य का नागरिक, वहां जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हाँ, आप इन्हें तसल्ली दें, निराशा चली जाए, व्याकुलता चली जाए, बीमारियां चली जाए, कलेश चले जाए, कर्जे चले जाए, लड़ाई झगड़े मनमुटाव की स्थितियां खत्म हो इनके परिवार से। आप इन्हें अपनी उपस्थिति में लेकर चलें और आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इस वचन से इनको आपने छुआ है, इन्हें नई जिंदगी दे। ओ प्रभु, सारी निराशा चली जाए, आनंद ही आनंद, कुछ चमत्कार दे स्वामी, आनंद दे स्वामी, और अपने पवित्र आत्मा से आप इनको परिपूर्ण करें। अपने स्वरूप समानता में आपने इनको बनाया है, वही स्वरूप समानता इनमें झलक न पाए और ये आपके राज्य में पहुंचे, ऐसी मेरी प्रार्थना। हर एक जन पर तेरे अनुग्रह को चाहता हूं, धन्यवाद प्रार्थना को सुना, आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। प्रिय मित्रों, विश्वास कीजिए, यदि आज से आपका मन प्रभु में है, व्याकुलता चली गई है, यदि आपने जो भी चमत्कार पाए हैं मुझे जरूर लिख भेजें, ईमेल करें या हमारे प्रार्थना भवन में संपर्क करके बताएं, ताकि मैं आपके आनंद में आनंदित होकर
प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, यदि आपने रेवरेंड निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर से चमत्कार व आशीष पाई है तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9970775705। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है nikhil@thelordspower.org। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर व ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क करें। द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org। यदि आप अपने जीवन व परिवार में परमेश्वर की आशीष व चमत्कार पाना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम देखना न भूलें। हर रविवार सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक केवल शुभ संदेश चैनल पर।